मतलब किसी भी संख्या का पांच का भाग दे रहा है, कोई भी संख्या उसमें पांच का भाग दे रहा है, किसका भाग दे रहा है? पांच का, पांच का। अब अपन यह तो अपन ट्रेडिशनल तरीका जो अपन पुराने तरीके से निकालते आ रहे हैं वही भाग विधि करेंगे, ये वाला लिख के इसके अंदर लिख के ये करेंगे ना, इसका टाइम ज्यादा लगेगा, अपने वैसा नहीं करना, अपन दो सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं। क्या करना है, जो संख्या दे रही है उसका डबल कर दो, जो संख्या दे रही है उसका क्या कर दो, दो का डबल तीन का डबल चार का डबल जीरो का डबल जीरो, दो का डबल चार, एक का डबल तीन का डबल छह, ये आया आया। लास्ट वाली संख्या है उसको छोड़ के एक पॉइंट लगाना है, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। बात समझ में आई? आई। अब जैसे कोई सवाल आ गया, जैसे ये सवाल आ गया अब इसमें देगा तेरह छप्पन, मैंने क्या बोला जो संख्या दे रही है इसमें पांच का भाग दे रहा है, किसका भाग दे रहा है? पहली वाली संख्या देखिए उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, एक का डबल कितना हुआ दो, तीन का डबल छह, अब पांच का डबल देखो हो गई दस, असली वाली आ गई, इसको पकड़ो देखो ये दोनों डबल करेंगे तो हो जाएगी दही अंक आ जाएगा, तो छप्पन का डबल करना है, छप्पन का डबल कितना हुआ 112 हुआ, 112 हुआ, तो 12 को ऐसे कैसे लिखना है, एक इसकी कैरी बन जाए, कैरी यानी असली हो जाएगी, फिर देखो दो का डबल तीन का डबल लिखो छह चार बारह एक और छह कितने हो गए सात और दो आया, ये वाली संख्या है लास्ट वाली संख्या को छोड़ के क्या लगा दो, ये हो गया आंसर। बात समझ गए, निकाल सकोगे, एक सेकंड में निकल रहा है, ठीक है।